हेलो गाइज, आप देख रहे हो क्रिकेट विशाल। गाइज अभी कहाँ हूँ, रोड पे हूँ और जा रहा हूँ सीधा एकेडमी। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया कि पहला दिन एकेडमी में कैसा होना चाहिए और क्या क्या आपको करना चाहिए, सब कुछ आज आपको बताने वाला और पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगा। गाइज अभी मेरे साथ बैग है और बाइक है, तो आप भी जैसे जाओगे रास्ते में एकेडमी, घर से आपको क्या लेके जाना है, आपको अपनी वाइट किट, जो भी एकेडमी में ड्रेस चलती है आपकी, वाइट किट चलती है, कलर ड्रेस चलती है, तो वो आपको लेके जाना है। और साथ में आप शूज़ बैग में डाल सकते हैं, स्लीपर पहन सकते हैं या अपनी वो ड्रेस पहन भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पर आप साथ में लेके जाएं एकेडमी जाना, क्योंकि रोज़ जाना है हमें। वाइट किट रोज़ रास्ते में जाके डाल के जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो अभी क्या होगा, अगर पहला दिन होगा तो नर्वस फील होगा आपको, पता नहीं कैसे लड़के होंगे, तो वो जाके अभी तो ऐसा फील नहीं करना है, अभी जाके आपको बताऊँगा कि कैसा आपको फील करना है, कैसे आपको जाना है और कैसे कैसे माहौल बनाना है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप सबके लिए, और थोड़ा अलग वीडियो ला रहा हूँ गाइस, अब तक ऐसा वीडियो तो मैंने नहीं डाला, फर्स्ट टाइम है। अगर अच्छा लगे तो गाइस कमेंट करना कि आपका पहला दिन कैसा था, वो भी बताना। और आपको बता दूंगा इस गिव अवे इसी मंथ आ जाएगा, 15 को बोला था, आज 15 को आप ये वाला वीडियो देख रहे हो, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी डाल दूं, क्योंकि ट्रायल्स का टाइम चल रहा है, तो कोशिश करेंगे जल्दी गिव अवे आ जाए, इसी मंथ में आ जाएगा और वो दूसरे वाले चैनल पर आएगा, लिंक नीचे विशाल चौधरी वाले पे, वहां से आप सब्सक्राइब कर लेना। और अब चलते हैं सीधा अकेडमी, मिलते हैं सीधा अकेडमी जाके। आप गाइज, मैं आ गया अकेडमी के गेट पे। इस टाइम सबसे ज़्यादा नर्वस फील होता है पहले दिन अकेडमी में, मुझे याद आ रहा है जब मैं आया था तो मुझे सबसे ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था उस टाइम, तो आपको भी हुआ होगा, या आप जाओगे तो उस टाइम सबसे ज़्यादा नर्वस फील होता है, तो उस टाइम नर्वस फील नहीं करना है। और आप तो वाइट किट में जाओगे, मैं वाइट किट में था, पूरी जो अकेडमी की ड्रेस थी, तो कोशिश करना है बैग लेके जाओ, उसमें डाल दो, पहले पता नहीं होता हमें, तो सब 99% क्रिकेटर ही होते हैं, पूरे वाइट किट शूज़ डाल के जाते हैं, पर मैं स्लीपर शूज़ वूज सब बैग में, तो बैग इसीलिए होता है, वाटर बॉटल और अपना बैग सब साथ में ले जाना है। अगर आप बैट्समैन हो तो उस टाइम आप अपनी किट भी लेके जा सकते हो। तो अब एकेडमी का दिखा दूँ आपको और कैसा फील होगा एकेडमी का फर्स्ट इंप्रेशन देख के, वो भी आप देखना, तो बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज का होने वाला है। गाइस जब भी आप एकेडमी में घुसाओगे तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहला काम होना चाहिए आपको कोच के पास जाना है, जहाँ भी आपके कोच होंगे उनके पास जाना है, क्योंकि क्या होगा, कोच ही आपको देखेंगे कि आप एकेडमी आए हो नहीं हो, क्योंकि वही आपको पूरा क्रिकेट खिलाएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि उनके पास आपको सबसे पहले जाना है, ये सबसे पहले ध्यान रखना है। उसके बाद आपको दिखा दूँ ग्राउंड का व्यू। गाइज ये है अपना ग्राउंड, और आपका भी कोई भी होगा जिसमें आप जाओगे तो उस टाइम आपको सबसे ज़्यादा नर्वस फील होगा। आप प्लेयर देखोगे जैसे ये आ रहे हैं, एक भाई एक उधर आ रहे हैं, ये क्या सोचेंगे आपके बारे में, आप क्या हो, मतलब ऐसा करके आपको फील होगा, पर उस टाइम आपको फील नहीं करना है, उस टाइम आपको अंदर से लेना है। इनका भी फर्स्ट डे होगा कभी, जैसा मेरा भी पहला दिन था, तो आपका भी पहला दिन है, आप खेलते जाओगे और तकड़े होते जाओगे, तो ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, सर से मिलना है जो आपके कोच होंगे, उसके बाद मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। सबसे पहले ग्राउंड ये है, और ये नए बच्चे आपको ऐसे आएंगे, ऐसे लगेंगे जैसे काटने को आ रहे हैं, पर ये भी आपके भाई, इनका पहला दिन था कभी, और आपका भी आज पहला ही दिन है। आगे आगे बताता हूँ क्या क्या सीन बनेगा। गाइज मैं सर से मिल चुका हूँ, अब आपको दो बंदे से मिलाऊंगा जिनका पहला दिन अकेडमी, उनको कैसा उस टाइम फील हुआ था वो आपको खुद बताएंगे, और उसके बाद पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है, वार्म अप कैसे होगा, कैसे आपको किट भी चेंज करने का, ये भी आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी हम मिलने हैं सर से, उसके बाद आगे का प्रोसेस। पहले आप सुन लो कि उनका कैसा दिन था पहला। तो सबसे पहले आएंगे चंडीगढ़, नाम उर्फ गोरा वैन का। चंडीगढ़ कैसा फील हुआ था फर्स्ट डे? जब मैं फर्स्ट डे अपने वहाँ पे अकेडमी गया था चंडीगढ़, तो मेरे को ना दो तीन दिन तक काफ़ी रोना आया था, और मैं दो तीन दिन लगातार पोल पकड़ के रोया था। मेरे को बहुत ही हाँ, मैं काफ़ी अलग माहौल था, जैसे कि धीरे धीरे मेरे दोस्त बनते गए तो अपना उनके साथ में घुल मिल से गए, और उसके बाद में फिर अब तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे घर बस, अब तो घर पे मन नहीं लगता, यहीं पे रहना, यहीं पे खाना, सब कुछ यहीं पे चलता है। तो अब वासु बताएं, वासु पहला दिन कैसा था गड़ी में? पहला दिन अच्छा था, पर बस यही है कि पता नहीं लग रहा था, सब नए नए थे, अली भैया वगैरह सब मिले थे, पर ये मतलब नए नए गए थे, ना कुछ पता इस मामले में, ना नॉलेज कुछ, तो अजीब लगा था, मतलब मन नहीं लग रहा था कि दूसरा दिन। हाँ, मन नहीं लग रहा था कि, पर ये था कि किससे पूछ पाछ के गए थे कि वहाँ अकेडमी है, मतलब एक बोला कि खुशी सी थी कि हाँ यार अकेडमी आया, प्रोफेशनल तरीके से खेलना अभी है। तो गाइज मैंने आपको दिखा दिया दोनों का पहला दिन कैसा था, ये भी आपको शेयर करना जरूरी था कि उनको कैसा फील हुआ था। तो आपका पहला दिन है तो आपको भी ऐसा फील हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करना है, अब आपको ड्रेस चेंज करनी है, जो भी अकेडमी ड्रेस है, आज कलर ड्रेस है, वाइट किट का आज टाइम नहीं है, तो बैग में आपको रख के लानी है, तो कलर ड्रेस डालनी है और फिर आपको शूज डालनी है, फिर आगे का बताऊंगा प्रोसेस क्या है। गाइज अब बैग रख दिया है वहाँ पे जहाँ पे सबके बैग रखे, और साथ में डाल लिया वेयरिंग किट, जो अकेडमी की ड्रेस है वो डालना है आपको, चाहे व्हाइट किट हो चाहे अपना ये वाली किट हो। और गाइज खासकर ध्यान रखना है, आपको पूछना है सेशन क्या चला हुआ है, नेट सेशन है, सीनियर के पास जाना है, बात करनी है,
ना कि आप दूसरे मतलब दूर दूर घूम जाओ, जो भी अकेडमी के लड़के जैसे यहाँ पे घूम रहे हैं तो इनसे आपको बात करनी है, ना कि आप ये हो कि इनसे दूर घूम जाओ, ये ध्यान रखना है। क्योंकि जितना जल्दी इनके क्लोज आएंगे, जितना आप अकेडमी के लड़कों से बात करोगे उतना अच्छा रहेगा। आपको नए लगेंगे सब कि नए क्या बात करना है, पर आपको इनसे बात ज़रूर करना है, क्योंकि आपको वही फ़ायदा होगा, आपको जल्दी एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि कैसे रहते हैं, क्या माहौल है, क्योंकि वो आपको एक साल का एक्सपीरियंस दे देंगे। जैसे भी वो साथ में गए, आप उनसे बात करोगे कब से आ रहे हो, वो आपको इतना सारा एक्सपीरियंस दे देंगे कि जो आप एक साल में सीखने वाले होंगे अगले, तो इतना एक्सपीरियंस आपको पहले ही मिल जाएगा। तो दूर दूर नहीं घूमना है, और सीनियर से जाके बात करना है सेशन क्या है, जैसे आज हमारा नेट सेशन है या अपना फील्डिंग सेशन है जो भी है, फिर उसके बाद करना है क्या, सबसे पहले करना है अपने ग्रुप में जो भी आपके ग्रुप है उसके साथ वार्म अप करना है। तो बैग हमने रख दिया है, अपनी चेंज शूज अपने डाल लिए, फिर हमें वार्म अप स्टार्ट करना है, देखना है कहाँ वार्म अप। तो अभी तो मैं आपको अकेला करके दिखाऊंगा, अकेला करूंगा, आप समझ लेना कि आपके ग्रुप में हो रहा है, ये आप समझ लेना। सबसे पहले वार्म अप ही करते हैं आके अकेडमी में। गाइज रनिंग करने के बाद आपको फिर स्ट्रेच करना है, जैसे भी आपका ग्रुप में जो भी आपको लीड कर रहा होगा वो कराएगा, उसके साथ में आपको दोबारा फिर स्ट्रेच करना है, फिर जाके जो भी आपका सेशन है वो स्टार्ट करना है। जैसे आज हम करेंगे फील्डिंग सेशन, तो आप देख लेना कैसे मैं सेशन करूँगा, तो आप वो ग्रुप में अपने आप को देख सकते हो कि जैसे हम ग्रुप में कर रहे हैं। अगर नेट सेशन है तो नेट करना है, तो भी जैसे मैं आज आपको फील्डिंग सेशन दिखाऊंगा तो आज हमारा फील्डिंग सेशन आप समझ सकते हैं, उसके बाद बताऊंगा फिर आपको क्या करना है। सबसे पहले करते हैं फील्डिंग। और गाइज फील्डिंग सेशन के बाद, फील्डिंग और कैचिंग के बाद जब भी आपको टाइम मिलेगा उसके बाद आपको स्नैक्स करना है, मतलब आपको बनाना और अपने जो भी फ्रूट्स लेके जाओगे उसको खाना है जब आपको रेस्ट मिलेगा। और जब भी आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्रिकेट स्टार्ट किया है तो आपको एक्स्ट्रा अपनी ड्रिल के लिए, अगर आप बैटिंग ड्रिल कर सकते हो नेट खाली है, जैसे पीछे नेट है, अगर नेट खाली है तो वहाँ पर भी करना है, और अपनी बॉलिंग करते हो तो नेट में कोई सा हिस्सा लेकर आप बॉलिंग ड्रिल भी कर सकते हो। वो आप सीनियर से पूछो कि भैया मुझे ड्रिल बताओ, सबसे पहले आपको अपना बेसिक क्लियर करना पड़ेगा एकेडमी जा। भाई जब भी आपका पूरा सेशन हो जाएगा, जैसे फील्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, आपने स्नैक्स अपना कर लिया, जाते हुए ड्रिल भी कर ली बैटिंग और बॉलिंग की, अब लास्ट में आपको स्ट्रेचिंग करनी है। मेन आपको मैं बता दूँ क्या क्या है, बाकी आप जब अकेडमी जाओगे, जब सीख ही जाओगे तो स्ट्रेचिंग का पार्ट भी आपका ज़रूर करना है, नहीं होगा तो आपको पता नहीं होगा। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, अपनी लोअर बैक को सबसे पहले स्ट्रेच करना है जब भी आप करोगे। लोअर बैक तो आपको करनी है डेली, ये मतलब लोअर बैक में सबसे ज़्यादा इंजरी होती है फास्ट बॉलर के, तो खास कर तो लोअर बैक आपको डेली करनी है। मेन क्या है लोअर बैक में, आप देख सकते हो ऐसे लेटना है, हाथ आपके यहाँ पे रहेंगे और ये सीधा आपको ऊपर देखना है, और यहाँ पे 30 सेकंड होल्ड करना है, और हाथ फिर थोड़ा थोड़ा पीछे करने, जैसे अभी हमारे यहाँ पे थे, फिर आपको यहाँ पे करना है, फिर ऊपर होल्ड 30 सेकंड, ये ज़रूर करना है। ऐसे ही आप अपने थाई भी हमारी यूज़ होती है जब हम बैटिंग और बॉलिंग करते हैं, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे लेटना है सीधा और आपकी ऐसे पीछे जाएगी, इसमें आपकी सामने वाली जो मसल होगी वो पूरी स्ट्रेच हो रही है। ऐसे ही आपको दूसरे लेग से करनी है ये वाली, और ऐसे ही गाइज ग्रोइन का भी, आप ग्रोइन भी ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो, ये रखना है, और यहाँ से ऐसे स्ट्रेच होगी, ये भी आपको पूरे हाथ से होल्ड करना है, ये छोटी छोटी है, ऐसे ही आप शोल्डर भी कर सकते हो। वो आप मेरा मोटिव क्या गाइज ये बताने का, आपको करनी ज़रूर है, वो आप जब आप क्लब जाओगे, जब अपने एकेडमी जाओगे तो वहाँ जाके आप सीख जाओगे। और गाइज लास्ट में आपको कुछ टिप्स बता दूँ जो बहुत काम आपके आने वाली है, आपको ध्यान रखना है जब भी आप एकेडमी स्टार्ट करोगे, तो फर्स्ट डे से लेके एक हफ्ते तक आपको ऐसे लगेगा कि सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, पर आप जितना डेली एकेडमी जाते रहोगे उतना आप सीखते रहोगे और उतना आप अच्छे हो जाओगे। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है, बस आपको क्रिकेट स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको पूरा माहौल ढलने लगोगे। अभी तो आपको देखने में लगा ग्राउंड इतना बड़ा ग्राउंड है, फर्स्ट डे जब आओगे लगेगा इतना बड़ा ग्राउंड है, इतने सारे लोग हैं, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे मैं कैसा खेल रहा हूँ, तो जब आप डेली खेलने लगोगे ना आप एक दिन स्टार बन जाओगे। जैसे हम फर्स्ट डे आए थे तो हम अब सीनियर हो गए, सब भैया बोलते हैं, तो जैसे आप सीनियर होते जाओगे तो सब आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे सीनियर प्लेयर को करते हैं। तो धीरे धीरे आपको अपना गेम भी अच्छा करना है, और साथ में आपको बता दूं आपको मेंटली भी स्ट्रांग होना है, और आपको बस आते रहना है, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं एक दो दिन एकेडमी आते हैं छोड़ देते हैं, बहुत भाई ऐसे हैं सिर्फ एक हफ्ता एकेडमी आते हैं फिर छोड़ देते हैं, दो हफ्ता आते हैं फिर छोड़ देते हैं। जो कंटिन्यू प्रैक्टिस करता है ना गाइस वही क्रिकेटर बनता है, तो आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। अगर जो सपना आपने फर्स्ट डे देखा था वो सपना आपको एंड तक देखना है जब तक आप क्रिकेटर नहीं बनोगे। तो सबसे पहले स्टेप एकेडमी का इसलिए मैंने आपको शेयर किया कि सबको अजीब लगता है जब फर्स्ट डे आएंगे, मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लगा था, और कुछ टाइम तो मैं बहुत जगह अकेडमी में गया तो वहाँ जा भी नहीं पाया, मैं पहले ही वापस आ गया था, एक टाइम तो ऐसा भी था कि कैसा लगेगा जाके, तो जब मैं कंटिन्यू जाता रहता फिर वहाँ सब जाने लगते हैं, फिर आप अच्छा भी खेलने लगोगे।
और गाइज वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, मोटिवेशन मिलता है आपका एक अलग से, और कमेंट भी करो कुछ भी आपकी क्वेरी हो। ऐसी गाइज और वीडियो आती रहेंगी, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सेम अकाउंट है क्रिकेटर विशाल, वहाँ पे भी आपका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज़।